और जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद के हालात क्या हैं, इसके बारे में एक विशेष चर्चा है और हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे एक तो थोड़ा सा कंपैरिजन दोनों हिस्सों का, पीओजेके का और भारतीय जम्मू कश्मीर का, और दूसरा जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पार्लियामेंट में जो कहा था कि पीओजेके हमारा है, हम इसके लिए चाहे जान भी दे देंगे, इस पर क्या आपको प्रोग्रेस लगती है, किस तरह के समाचार आपको दिख रहे हैं, कब तक पीओजेके को हम देख पाएंगे उस तरह से जो यहां डेवलपमेंट चल रहा है या कि नहीं चल रहा है, क्या पाते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जहां तक अमित शाह जी के बयान का ताल्लुक है उसमें तो प्रोग्रेस ये आई है कि जम्मू में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने बयान दिया है पीओजेके को लेकर और उन्होंने कहा है कि वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, तो बयानबाजी की हाथ में तो प्रोग्रेस हमें ये नजर आती है। अब देखें आपने कहा कि कंपैरिजन दोनों का किया जाए, बात ये है कि जो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35 ए हुआ उसकी रोशनी में सबसे ज्यादा जो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं जो तब्दीली आई वो महिलाओं के हकूक के हवाले से था, और वो महिलाओं के हकूक के हवाले से ये था कि जब ये स्पेशल सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस था उस वक्त अगर कोई कश्मीर का जो नौजवान है वो अगर कोई करता था शादी किसी गैर कश्मीरी से तो उसको उस महिला को वो राइट्स मिल जाते थे जो किसी कश्मीरी महिला के राइट्स हैं, लेकिन अगर कोई कश्मीरी महिला जो है वो किसी गैर कश्मीरी से शादी करती तो ना सिर्फ ये कि उसके पति को वो राइट्स ना नहीं मिलते थे बल्कि उसके अपने भी राइट्स जो है वो खत्म हो जाते थे और प्रॉपर्टी वगैरह में और उसको इनहेरिटेंस में राइट्स वो क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन इससे इसके बाद आप देखें इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आई, डोमेस्टिक सतह पे भी इंडिया से बहुत इन्वेस्टमेंट वहां गई है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो सब जानते हैं कि बिलियंस में आ रही है यूएई सऊदी अरब वगैरह से। इसके अलावा नौकरियां बहुत पैदा की गई वहां, तकरीबन 29,000 एंड समथिंग जो है सरकारी जॉब्स दी गई, इसी तरह से 2 लाख से 3 लाख तक जॉब्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम्स के जरिए दी गई, डेवलपमेंट के हजारों प्रोजेक्ट्स कामयाब हो चुके हैं, टूरिज्म आप देख लें वो, बल्कि टूरिज्म से पहले आप देख लें पत्थरबाजी के और दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं, इक्का दुक्का वाकयात इंडिविजुअल टेररिज्म के हो रहे हैं लेकिन उस तरह से प्रदर्शन और वो हंगामा खेजी अब नहीं रही, जिसकी वजह से आपको सिर्फ इस साल की मिसाल दे देता हूं कि जनवरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर गए हैं। अमरनाथ यात्रा भी इस दफा क्लाउड बर्स्ट और मौसम खराब होने के बावजूद जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कि यादगार तादाद में लोग वहां गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया का सबसे जो बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज है चनाब वैली में बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अब डिलिमिटेशन हो चुकी है, इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पंचायत इलेक्शन हो चुके हैं, डीडीसी इलेक्शन हो चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की तरफ और उसके बाद जो है वो स्टेट रूट भी बहाल हो जाएगी, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है। आज जो है पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया था कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को लेकर ब्लैक डे मनाया जाए, ब्लैक डे तो वहां मनाया गया आज, लेकिन वो ब्लैक डे पाकिस्तान के खिलाफ मनाया गया और उसमें जो तमाम बार काउंसिलें हैं उनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने आज तमाम पीओजेके की अदालतों का बायकॉट किया, क्योंकि एक 15वीं तरमीम लाई जा रही है जिसके जरिए पीओजेके की असेंबली से तमाम जो मॉनिटरी पावर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो लेकर एक डमी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर काउंसिल के नाम से जो कायम की जाएगी उसके हवाले किए जाएंगे। अब कश्मीर काउंसिल में 6 लोग जो है वो पीओजेके की असेंबली से लिए जाएंगे और 7 लोग पाकिस्तान के होंगे जिसमें डिफेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होंगे और उस कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कश्मीर काउंसिल की जो कोई भी सजेशंस होंगी वो उस वक्त तक
पास नहीं होंगी जब तक के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनको सैंक्शन नहीं कर। इसके अलावा हमारे ऊपर फ्यूल टैक्सेस लगा दिए हैं बहुत ज्यादा। अब फ्यूल टैक्सेस तो हमारी तो सारी बिजली पानी से पैदा होती है, फ्यूल का बीच में कहां से ताल्लुक आ गया? वो तो पंजाब में इस्तेमाल होता है फ्यूल, यानी पंजाब का जो फ्यूल है उसका टैक्स पीओजेके के लोगों पर लगा दिया। इसी तरह से टूरिज्म एक्ट लाया जा रहा है जिसके तहत जहां पे पूरा टूरिज्म है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला जाए। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि डिफेंस पर्पसेस के लिए पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की कोई भी लैंड किसी भी समय के लिए अक्वायर कर सकती है। मतलब है हर पहाड़ और हर टूरिस्ट रिजॉर्ट हमारी इस वक्त पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में। ये तो एक्सक्यूज मी मोटी मोटी बात होगी। अब आ जाए, आपके पास एयरपोर्ट है? है। हमारे पास है? नहीं है। आपके पास पीने का साफ पानी है? है। हमारे पास नहीं है। आपके पास स्कूल है? है। हमारे बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करते हैं। आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं जिनको दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है? हैं। हमारे पास नहीं है। आपके पास सड़कें हैं? हमारे पास नहीं है। आपके पास अस्पतालों में वैक्सीन और दवाइयां हैं? हमारे पास नहीं है। आपके पास ह्यूमन राइट्स और बोलने की आजादी है? है। हमारे पास नहीं है। मैं क्या क्या गिनवाऊं आपको ये कंपैरिजन में। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले एक महीने से पीओजेके बंद पड़ा है। कोई शहर ऐसा नहीं जहां प्रोटेस्ट ना हो रहे हो, जहां पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे ना लग रहे हो, जहां धरने ना हो। आज भी तकरीबन हर शहर में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की कोशिश थी कि पीओजेके की पपेट गवर्नमेंट को यूज करके पीओजेके में भारत के खिलाफ प्रदर्शन कराया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक वॉल्केनिक सिचुएशन में, और यह आतिशफिशां फटने वाला नहीं है, ये फट चुका है। हमारे लोग जेलों में बंद हैं और एक एक छोटे थाने के पुलिस स्टेशन के कमरे में 10-10 लोगों को कैद किया गया है। ये पिछले 10 दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूं। और वहां टॉयलेट नहीं है, यानी डिग्निटी भी नहीं वो हमें देते। इंसानी जो एक डिग्निटी है, हमारा एक हक है। इसके साथ साथ टॉर्चर की मैं आपको दो ही मिसालें दे देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। वो एक लड़का है यंग आबिद, उसके पुलिस स्टेशन में उसके जिस्म को ब्लेड से काटा गया, उसमें फिर मिर्चें डाली गई। एक और लड़का है आसिफ, उसको इतने शदीद तरीके से सोटियों के साथ थाने में मारा गया, और पाकिस्तानी आर्मी के मेजर ने मारा कि उसकी खाल उतर गई है, सारी पीछे से खाल उतर गई। ये हालात है इस वक्त पीओजेके के। जगह जगह मुजाहरे, जगह जगह धरने, जगह जगह फायरिंग, पुलिस से तसादम हो रहा है। और जो है 5 अगस्त जो है वो हम देखते हैं कि चाइना कह रहा हूं श्रीनगर में हर घर तिरंगा की मुहिम चल रही है। हमें ये इजाजत नहीं है कि हम तिरंगा लहरा सकें। हम 40 लाख पीओजेके के भारतीय सिटीजन और 16 लाख जो गिलगित बल्तिस्तान के भारतीय नागरिक हैं, हमें इजाजत नहीं है कि वहां पे बीजेपी के नाम पर कोई पार्टी बनाए। हमें वहां आरएसएस के नाम पर कोई जो है अवाम की खिदमत का काम करने का के लिए कोई तंजीम बनाने की इजाजत नहीं है। हमें वहां कोई सियासी पार्टी बनाने की इजाजत नहीं है जो इलाके भारत का एजेंडा लेकर वहां काम करे। हालांकि ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों में, रेजोल्यूशंस में हमें ये इजाजत दी गई है कि हम भारत के साथ जाएं। हालांकि 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा ने उसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करके इंडिया के साथ हमें जोड़ा, जिसके 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स के महाराजाओं ने जिस पे दस्तखत किए, लेकिन आज 56 लाख भारतीय नागरिक जो है वो कैद में है, एक जहादी मुसलमान सरकार की कैद में है। और आज मैं ये सवाल करता हूं 5 अगस्त 2022 को भारत के हर नागरिक से कि कैसे सोते हो तुम रात को, कैसे तुम्हें नींद आती है रात को, जब तुम्हारे भारतीय नागरिक जो है वो दूसरे पार जो है वो इस कदर जुल्म और तशद्दुद और नाइंसाफी बर्दाश्त करने पर मजबूर है। जी फिर स्वागत है आपका, नमस्कार।
और लाल चौक के ऊपर आज बहुत ही विशेष प्रोग्राम हो रहा है इस वर्षगांठ को लेकर, लेकिन हम साहिल जी के पास आए इसके पहले एक डॉक्टर मिर्जा साहब से एक और बात हम जानना चाहेंगे कि 370 के एब्रोगेशन की ही तर्ज पर लगता है कि ये जो 15th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये लाया जा रहा होगा, क्योंकि जैसे उनको लगता है कि भारत ने एक कर लिया है जम्मू कश्मीर को, ऐसा ही शायद हम भी कर लें, आजाद कश्मीर के नाम पर जो आजादी टाइप का बना रखा था उसको शायद वो दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन 1,04,000 करोड़ रुपए का जो बजट भारतीय जम्मू कश्मीर के लिए अलॉट हुआ वो कोई तैयारी है क्या उनकी इस तरह की? मुझे आपके सवाल का आखिरी दो जुमले समझ नहीं आए। हम ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर को कहकर वो एक तरह से उसको अपने जद में ले रहे हैं 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। नहीं, वो जो आपने आखिर में कहा ना 1,01,00,000 के 1,00,000, वो समझ नहीं आई बात। 1,04,000 करोड़ रुपया भारतीय जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए हैं स्पेशल बजट के तौर पर, क्या पाकिस्तान की बात यह है कि बात यह है कि 370 और 35 की एब्रोगेशन यू कैन नॉट कंपेयर दैट विद 15th अमेंडमेंट। ठीक है, पहली बात तो ये कि 15th अमेंडमेंट भारतीय धरती पर एक काबज हुक्मरान कर रहा है, 370 और 35 वे एक टेम्परेरी आर्टिकल था जिसको भारत की पार्लियामेंट ने कंसेंसस के साथ एब्रोगेट किया, और वो था भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं। अब 15वीं तरमीम जो है वो पाकिस्तान के कब्जे को मजीद गहरा करने की एक साजिश है, वो POJK के लोगों को डिसएम्पावर करने की साजिश है, वो हमारे तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैमों के ऊपर से जो इनकम आती है उस इनकम को पाकिस्तान के ट्रेजरी में डायरेक्ट लाने का है, वो हमसे कोई भी जो हमारा राइट है या हमारी पावर्स हैं टू मेक लॉज और टू कलेक्ट रेवेन्यू और इवन टू स्पेंड दैट डेवलपमेंट फंड दे आर बीइंग यूजर्ड, दैट इज व्हाट इज द 15th अमेंडमेंट एंड दे आर गोइंग टू रिड्यूस POJK टू अ लेवल ऑफ अ प्रोविंशियल एंड entity without calling it a province. ये चालबाजी खेल रहे हैं तो चलिए साहिल जी बशीर के पास चलते हैं।